सो गाइज़, ये बात है सैटरडे 3 दिसंबर, लास्ट पेपर था तो मस्त था कि हाँ पेपर अच्छा हो गया। बट घर आते हुए हुआ क्या, बाइक ठोक दी किसी ने। अब बाइक ठोकी उसमें मेरी गलती नहीं थी, कैसे कि मेरी ग्रीन लाइट हो गई थी और मैं अपनी ग्रीन लाइट के हिसाब से चला और साइड से एक गाड़ी वाला आया रेड लाइट जंप करते हुए और उसने ठोक दिया मेरे को। कहाँ सुनी हुई, चार बंदे थे तो फिर मैं इतना भी कुछ बोल पाया नहीं, बाइक का नुकसान हो गया। तो वो वीडियो ये रही, ये जब हुआ एक्सीडेंट, ये देखो ये मेरी नंबर प्लेट मुड़ी और गाड़ी जो थी मेरे पूरे यहाँ तक चढ़ गई गाड़ी, और अब टायर आवाज़ कर रहा थोड़ी सी। और टूटा क्या क्या टूटा, मेरा एक लीवर टूटा, ये मेरा गियर लीवर टूट गया और मेरी बॉडी भी यहाँ से तोड़ दी। तो मैं लिटरली उड़ते हुए गया था बाइक से, अब देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। बाइक का नुकसान तो हुआ सो हुआ, बट जो गाड़ी चला रहा था वो एकदम नूब था, आप कह लो नूब एज इन, क्योंकि जिसने गाड़ी मेरी बाइक ठोकी, जो गाड़ी चला रहा था तो वो बंदा भागते टाइम या मतलब जाते टाइम वो बंदा गाड़ी नहीं चला रहा था, जो उसके साथ पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ था वो गाड़ी चलाते हुए ले गया। वीडियो में ये डाल देता हूँ गाड़ी की जिसने ठोका था और फिर वो चला गया। सो, कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि किसी की जान को अपनी हथेली में दे देते हैं किसी और की, जिसको गाड़ी चलानी आती नहीं है और आप उसको ट्रैफिक में गाड़ी दे रहे हो। सो, ये एक तो वायलेशन हो गई। खैर, बाइक में कुछ ज़्यादा वजह लगा नहीं और मुझे भी ज़्यादा चोट आई नहीं, मेरे को मतलब हुआ ही कुछ नहीं, मैं बच गया बस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सो, बाइक थोड़ी टूटी है वो तो मैंने तुम्हें वीडियो में दिखाई दिया। अब सीधा मैं व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ बाइक ठीक कराते हुए। ये भी मैं वीडियो बना रहा हूँ एक्सीडेंट होने के 3-4 दिन बाद, बाइक कराऊँ कराने ठीक। सो पहले बताता हूँ, बाइक में पहले ख़राब गया था जो ठीक करा लिया है और बचा गया ठीक कराने का। तो बाइक का लीवर टूटा, चलो ये तो बाद में करा लेंगे। अब ठीक मैंने क्या कराया, ठीक मैंने गियर लीवर करा लिया था अपना, बाहर करा लिया था, नहीं तो 1-1.5 हज़ार रहेगा, ज़्यादा का नया लगा था। और पीछे जो मेरा मडगार्ड लगा हुआ था वो मुड़ गया, उसका तो कोई सीन नहीं है, वो नया लगेगा। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मेरा पीछे टायर जाम चल रहा है, जाम चल रहा है, वो ठुकी थी, अब कुछ हो गया, रबड़ उबड़ ख़राब हो गई अंदर, तो जाम चल रहा है टायर पीछे का मेरा बाइक का। सो अभी तो मैं वो पीछे कैलिपर खुलवाऊंगा, फिर वो ठीक होगा। अभी जब खुलता है तो मैं दिखाता हूँ कि कैसे क्या बन रहा है। सो बने रहो वीडियो के साथ। पीछे से बाइक बिना मड़गाड़ के अच्छी लग रही है, टायर अच्छा लग रहा है, चौड़ा लग रहा है, और एक नंबर पर इग्नोर करना, वो ठुकने के बाद मुड़ गई थी तो उसे इग्नोर रखना। और हाँ, जो बॉडी पैनल टूटा था मेरा इधर का, ये वाला, इसका मैंने अभी कुछ जुगाड़ सोचा है, वो कैसे करना है वो भी देखा नहीं है। सो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, या तो मैं इसी को ठीक करा लूँगा या तो फिर एक मैंने नई चीज़ सोची हुई है। सो वो बात की बात है, फिलहाल तो तुम बने रहो वीडियो के साथ। का काम भाई अपना शुरू हो गया है, बाइक का खुलने का कैलिबर, फिर एक्सल खुलता है, फिर कैलिबर खुलता तो मैं दिखाता हूँ। फिर A few moments later, अपना कैलिबर बाहर आ रहा है, उसका पंप नहीं, उसका पिस्टन निकाल रहे हैं। One eternity later. लड़की मशक्कत के बाद आखिर खुल गया कैलिपर, ये निकल गया तेल सारा। बताइए भाई, ये जाम हो गया था ना, ये देख रहे हैं? जाम हो जाने के बाद भी पहिया दे जाम। कैलिबर अपना साफ हो रहा अंदर से, कैलिबर धुला केरोसिन से, फिर इसके बाद कुछ नहीं, मैं बाइक कराई ठीक कराई, उसके बाद कैलिपर लगा एंड फिर ब्रेक का प्रेशर बना, उसमें टाइम लगा, मैंने सोचा फिर ब्रेक का प्रेशर बनाते हुए कि वीडियो क्या ही बना। सो उसके बाद बाइक ठीक कराई, इसमें तो खर्चा मेरा 150 रुपये लगा थोड़ा सा ठीक होने का,
एंड अभी जो लीवर है वो मैं मोस्ट प्रोबेबली या तो स्टॉक ही लगवा दूंगा, या हो सकता है कि मैं जो आफ्टर मार्केट है वो लगवाऊँ। खैर, दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो कर देना लाइक, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और वीडियो कर देना शेयर। सो वील मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।